महाराष्ट्र के मकोका की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कानून बनाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र के मकोका की तर्ज पर कानून बनाने के लिए सीएम कमलनाथ ने निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में संगठित अपराध को रोकने के लिए ये कानून काम करेगा। साथ ही मिलावटखोरी, कालाबाजारी, सरकारी जमीन पर कब्जे और कई अपराधों की रोकथाम ये कानून करेगा। इसकी मॉनिटरिंग प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा सीएस और डीजीपी करेंगे। कार्रवाई की रिपोर्ट एसपी कलेक्टर को डेली ये रिपोर्ट इसकी पेश करनी होगी। तभी संगठित अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए कारगर कानून होगा ये। इसमें अवैध कब्जे, अवैध कारोबार, अवैध कॉलोनी काटना, ब्लैकमेलिंग, नशे कारोबार, मिलावटी साज की जमीन पर कब्जा, चिटफंड जैसे अवैधानिक जितने भी कार्य होंगे इस पे वैसे साल भर में लगातार एक्शन हुआ है मिलावट के मामले में, अवैध कब्जों के मामले में, और इसको सख्त कानून बना के उस कानून के तहत एक्शन होगा जिससे एक कानून का राज पूरी तरह से मध्य प्रदेश में स्थापित हो सके। जो मैं प्रशासन और पुलिस को फ्री हैंड हर शहर में माफिया के खिलाफ दिया जाएगा, उसकी लिस्ट बनेगी और हर स्तर पर इसमें मॉनिटरिंग होगी और डीजीपी, सीएस और सीएम इस पर पूरी नज़र रखेंगे और जिलों के एसपी रोज माफिया पर की गई कार्रवाई के बारे में जो कंट्रोल रूम होगा पुलिस मुख्यालय का उसको जानकारी देते रहेंगे।